दोस्तों आज हमारे पास एक Redmi Y1 Lite सेट है जो कि फुल डेड है। आज हम इसको रिपेयर कर रहे हैं लाइव प्रैक्टिकल क्लास स्टूडेंट के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम वाइट रोजन का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसको ट्रेस किया है, फाइंड आउट किया है इसका फॉल्ट, और हम स्टूडेंट को दूसरा मेथड बता रहे हैं इस तरह की अगर शॉर्टिंग उनके पास आती है तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि हम यहाँ पर वाइट रोजन से इसे यूज़ कर रहे हैं, जिसे वाइट स्मोक भी कहते हैं, जिसे रोजन भी कहते हैं, रोजन फ्लक्स। सो फ्रेंड्स अभी हमने इसे अच्छी तरह से रोजन फ्लक्स लगा लिया है जैसा कि आप देखेंगे अभी, और इसको हम अभी चार्जर लगाएंगे। इसका CPU 8940 MSM, जैसा कि क्वालकॉम का CPU है 8940, जो कि MSM से जाना जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें आपको सीखना है तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं आप। 28 जनवरी से नेक्स्ट बैच है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और 15 सितंबर से EMMC का हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि हमारी लाइव प्रैक्टिकल क्लास चल रही है और स्टूडेंट ही उनके सेट से वीडियो बना रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वाइट रोजन का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसके अंदर फ्रेंड्स चार्जर केबल लगाएंगे, और जैसे ही हम इसे वोल्टेज देंगे, जैसे हम इसमें प्राइमरी वोल्टेज जाएगा तो ये यहाँ पर जहाँ शॉर्टिंग होगी वहाँ पर हमें यहाँ पर ये शो कर देगा। तो अभी यहाँ का भी एक बार बता देना, ठीक है। यहाँ पर मैं भी केबल लगाऊंगा जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर भी बता दीजिए। हाँ प्रोवाइड है, वहाँ कहीं लेना आपके। जी सर, चार्जर ये कर रहा हूँ हो रहा है, ब्लैक कलर का हो रहा है। क्या हो गया? ब्लैक कलर का हो रहा है। देखो कौन सा गर्म हुआ भाई, बताओ, हाथ बताओ। कैपेसिटर, कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर दिख रहा काला हो रहा है। देखो कुछ हो रहा है क्या और वहाँ पर? नहीं सर, देखो ठीक है, हम चार्जर लगा रहे हैं तो इससे बताओ मोबाइल को बोल रहा हूँ। यहाँ से ठीक है, ये वाला कैपेसिटर क्या हो गया हमारा? ब्लैक हो गया। ब्लैक हो गया तो अब हम इसको चल देंगे, ठीक है। तो ठीक है जी सर, तो ये अभी हम निकालेंगे, और ये देखिए जैसा कि ये मोबाइल है हमारे पास, है ना? हाँ सर। तो ये मोबाइल में अभी क्या है, हाफ चार्जिंग है, सारी बंद है, डेड है, है ना, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसकी हाफ चार्जिंग हम क्या करेंगे अभी, हम फाइंड किए, कैसा किए हम फाइंड पहले, सबसे पहले आई स्कैन किए तो हमको कुछ चीज मिली, क्लू मिला, जिससे हम फिर ये व्हाइट रोजन यूज किए। तो व्हाइट रोजन यूज किए तो उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पर वहां गलो, ठीक है, वहाँ पर हम पूरा व्हाइट रोजन लगा दिए, और वहाँ पर हमको एक कैपेसिटर क्या मिला, शॉर्ट मिला। और हम यहाँ पर अभी मल्टीमीटर से भी चेक करके बताएंगे कि शॉर्टिंग है कि नहीं है, है ना। हाँ तो इसको पहले निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये निकाल लिया, ठीक है। तो इसको पहले साफ कर देंगे, है ना, साफ हो गया है ना। तो अब मल्टीमीटर को डालेंगे हम भी बजर मोड पे, डायोड मोड पे, है ना, ये दे दो, कंटिन्यूटी मोड बोल लो या जो भी है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीमीटर का लेना, इस तरफ का लेना, यहाँ का लीजिए, इस तरफ मेरे को मत दिखाना, बाकी कौन कर रहा है पता ही नहीं मुझे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक हम प्रोब क्या किया, ठीक है, वहां देखो, वहां का लेना, वहां का लेना, इस तरफ बीप आ रही है ना। हाँ। तो इस तरफ चेक करते हैं तो क्या आ रही है, बीप आ रही है, इस तरफ दोनों तरफ है ना। तो डायोड के इस तरफ देखते हैं, देखो डायोड का हिस्सा तो ओके है, हिस्सा क्या बज रहा है अभी, बीप बज रहा है। तो क्योंकि ये हमारा कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है और ये हो सकता है, लेकिन अभी हमने व्हाइट रोजन लगा के देखा तो क्या हीट हुआ हमारा कैपेसिटर, हीट हुआ। कैपेसिटर को रिमूव करेंगे और दूसरा कैपेसिटर लगा के देखेंगे, है ना। हाँ। उसको ऐसे ही लेते रहना यहाँ। ये मेरे पास एक और बोर्ड है ना, तो इसका निकाल के उसको डालेंगे, ठीक है। तो इसको 350 कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा प्लेस ले लेंगे, देख रहे हैं ना सब जी सर, बना रहे हो वीडियो? हाँ बना सर, बना रहे। ये वाला कैपेसिटर निकालना है, क्या निकालना है, कैपेसिटर देखो केवल वो है, चार्जर में निकाल दिया है ना। ये कैपेसिटर को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर वहीं पे बताना, यहाँ रखा है ना, तो ये मल्टीमीटर पे है, तो
तो अगर ये खराब होगा तो क्या होगा? सही बजाएगा, थोड़ा इधर लेना, अच्छा उधर भी लेना। ये देखो मैं कैपेसिटर के बी दो तरफ लगा दिया, ये देखो क्या आ रहा भाई, बी पर आ रहा है। इधर भी लेना, इधर का भी लेना, मल्टीमीटर का भी ले लेना, ठीक है। हाँ। मल्टीमीटर में क्या हो रहा है, कैपेसिटर बी पर आ रहा है, ये देखो वहाँ दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, कैपेसिटर क्या हो गया हमारा शॉर्ट हो गया। अब ये जो यहाँ पर कैपेसिटर लगा था, तो अब हम इसके दोनों प्रोब पे भी देखेंगे, है ना। हाँ। तो शॉर्टिंग आ रही कि नहीं आ रही अभी भी, तो ये देखिए इस तरफ क्या हो गया, अभी शॉर्टिंग चले गई है ना। और इस तरफ एक तरफ तो उसका ग्राउंड ही होता है, क्योंकि वो पैरेलल में लगा होता है ना, वो फिल्ट्रेशन के लगा हुआ। ये लाइट सेक्शन का हमारा कैपेसिटर है जो कि यहाँ पर शॉर्ट हो गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक और बोर्ड है स्क्रैप बोर्ड, तो इसमें से एक कैपेसिटर निकालूंगा, ठीक है, और इसमें से लगाएंगे। शॉर्ट होगा तो सब खुद में ही होगा, इधर भी हो सकता है शॉर्ट, वहीं होगा तो जरूरी थोड़ी ना। एक बार देखते हैं क्या, ठीक है, शॉर्टिंग है कि क्या, है ना। ये देखो भाई, इस तरफ तो ग्राउंड है जी सर, और एक तरफ आ गया रीडिंग। हाँ सर, चार्जर लगा है क्या? फ्लैश होगा सर, बंद बंद। कल से केबल लेके आए क्या? हम केबल लेके आ गए, केबल लाया यार, तो मेरा कहाँ गया, केबल दिख रहा है ना, चार्जर दिख रहा है मेरा। हाँ। केबल आती गए, बैटरी कहाँ है इसकी, बैटरी को दिख रहा सब बात, चार्जर सब का केबल बैटरी गया। तालियां मारो, तालियां मारो, मारो मारो।
देखिए इसको पूरा होने देना, हो गया टेंशन में वापस जाके इसको अच्छे से लेना। देखिए देखिए ऑन भी हो रहा है सेट है ना, ये वीडियो मेरे को देना ठीक है। देखो अभी ब्लिंक हो रहा है क्योंकि चार्जिंग इसमें हो सकता है कम है चार्जिंग। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर हमने देखा है कि इसका लाइट ब्लिंक हो रहा है और पीछे इसका बोर्ड में कुछ कंपोनेंट गर्म हो रहे हैं, तो हमने फिर से इसको ट्रेस किया और चेक किया तो इसका जो बूस्ट कॉइल होता है, देखिए इसमें लाइट अभी बहुत ही डिम आ रही है, बहुत ही कम आ रही है, तो हमने इसका बूस्ट कॉइल को भी चेंज किया और उसके साथ ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक कैपेसिटर और कॉइल दोनों को चेंज किया। अभी कैसा आ रही लाइट? बहुत अच्छा आ रहा है, समझ गए। अभी ब्लिंकिंग पहले कितनी ब्लिंक हो रही थी, ब्लिंक भी हो रही थी, डल भी आ रही थी है ना, ब्राइटनेस भी कम था और यहाँ पर जो है ना हीट भी हो रहा था फिर है ना। अभी हीटिंग भी नहीं हो रही, देखो मैं पकड़ा हूँ यहाँ, देखो कैसा आ गई लाइट अभी तो बहुत ठीक है ना, आ गई ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना जी सर, ऑन हो गया जी। ठीक है तो थाली मार सकते हो भाई जी, ठीक है ठीक है। यहाँ बता दो एक बार क्या क्या चेंज किए, ये देखिए एक हम इसमें चेंज किया, एक यहाँ देखो दिख रहा है वहाँ पर कैपेसिटर बूस्ट कॉइल चेंज है ना, क्या किया इसमें दो चेंज किए, कैपेसिटर है कॉइल बूस्ट और बूस्ट कॉइल है ना। हाँ ये देखो इसका भी लेना ठीक है। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से सीपीयू की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, यह आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। तो भी मेरे को 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है, जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता, बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्री है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, नहीं ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे, तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है, अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता, मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया, तो ऐसा भी हो रहा था फेसबुक भी आ रहा था जो तरकीब बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग तो उनको रिक्वेस्ट भेजते थे,
कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैंने यहाँ पे गए हुए जो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे। अच्छा तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेड सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने 7 महीने नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोल रहे सभी हमें पैसे नहीं दिए हैं बोले, मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब सभी अभी बोलते हाँ हमें बोलना है कहेंगे तो ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है बोलना, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा सुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया, तो फिर चलता हूँ सुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं सर? 100% सर्टिफाइड है, और यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल हो सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था दूँ तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Mansun 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.